नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फूड साइंस और टेक में। मैं आपका होस्ट कम दोस्त अखिल चौधरी। तो गाइज, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक करा है तो मैं समझ गया हूँ कि आपके मन में चुल मची हुई है, कैसे आप घर पे बैठे बैठे अपनी बियर को बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप दूध से पनीर बना सकते हो, वैसे ही आप बार्ले से बियर बना सकते हो। तो गाइज, बियर को बनाना बहुत ही सिंपल काम है। बस बियर की शुरुआत करने से पहले गाइज, आपको एक काम करना होगा। काम क्या है गाइज, नीचे लाल कलर का बटन दिया होगा सब्सक्राइब का, उसे गाइज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना जरूर, और इसे शेयर करते हुए जाना, और बेल आइकन को जरूर दबा देना गाइज, क्योंकि कोई भी नई वीडियो होगी जो मेरी, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ये गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर गाइज जो मेरा देसी भाई सोच रहा है वो घर पे बैठे बैठे बियर को बना लेगा, तो मैं उसको उसके सारे ख्वाब है ना, वो सारे मिटा देने वाला हूँ कि पतीले में ना दूध गर्म होता है, बियर नहीं। गाइज, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि बियर घर पे कैसे बना सकते हैं। तो गाइज, अब बियर बनाने से पहले आपको मैं एक लिस्ट देने वाला हूँ इन चीजों को आपको मार्केट से लाना पड़ेगा, या फिर मैं इन सारी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ऑनलाइन इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों का लिस्ट इस प्रकार है। तो गाइज, पहले आपको लेके आना होगा कैटल। कैटल लेके आना गाइज, डिपेंड करता है आप कितनी अमाउंट बनाना चाहते हैं, 12 लीटर, 13 लीटर, 14 लीटर बियर, वो आपके मूड पे डिपेंड है। उसके बाद आपको लाना पड़ेगा एक फर्मेंटर, वो भी इसी कैपेसिटी के अनुसार होगा। उसके बाद लेके आना पड़ेगा आपको एक सिंपल फनल, और अगर आप कह सकते हैं कि ट्रांसफर करने के लिए एक बर्तन से दूसरे बर्तन के लिए, और एक आपको लंबा स्पून लेके आना पड़ेगा। एक आपको लेके आना पड़ेगा हमारा ऑटो साइफन, जिसको मैं आपको लेटर पार्ट ऑफ वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे इसका इस्तेमाल। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको लेके आना पड़ेगा एक सैनिटाइजर, सबको सैनिटाइज करने के लिए। और लास्ट में लेके आना पड़ेगा आपको बियर किट रेसिपी, जो कि आपको ऑनलाइन मिल सकती है गाइज। इस सारी चीजों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, देख लेना, वहां से उठा लेना, खरीद लेना, आराम से मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। बियर बनाने की पहली प्रोसेस में गाइज, हमारा पहला स्टेप आता है जो कि है सैनिटाइज। गाइज, सैनिटाइज करना पड़ेगा आप जो भी चीज जो बियर बनाने के लिए यूज हो रही है, जैसे कि बोतल से लेके, चमचा से लेके, हम फर्मेंटर से लेके, कोई भी इक्विपमेंट हो गया हमारा, वो सारा सैनिटाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी दूसरा अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट हुआ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हुआ, वो हमारी सारी बियर और हमारी की हुई मेहनत पर पानी फेर देगा। तो आपको अच्छी तरह से सैनिटाइज करना है, या फिर आप सैनिटाइजर से कर सकते हैं, जो भी एडिबल फूड सैनिटाइजर होता है, या फिर इसे आप गर्म पानी से इसे धो सकते हैं सारे मटेरियल को, ताकि अच्छी तरह से सैनिटाइज हो सके। अगला स्टेप आता है हमारा इन सारी चीजों को मिक्स करना। मिक्स अप मैं बता रहा हूँ कैसे आपको मिक्स करना है। कैटल गाइस, मेरे पास जो कैटल थी वो थी कुछ 18 लीटर के आसपास थी। तो 18 लीटर में, अगर हमारी 18 लीटर कैटल है तो उसमें हम 9 लीटर पानी डालेंगे, समझ रहे हो ना। समझ लो, आपके 10 लीटर अगर आपके पास कैटल है, कैपेसिटी है, तो उसमें से 5 लीटर उसके अंदर पानी डाल देना। उस पानी को गाइस हमने 20 मिनट तक गर्म करना है। 20 मिनट गर्म करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे कि आप देखा नहीं होगा, एक आप चाय लेते हैं डिप वाली चाय, और उसमें चाय पत्ती को ऐसे डुबाते रहते हैं, तो वैसे ही करना है। हमें स्टीप ग्रेन लेके आने हैं, बारले ग्रेन। स्टीप ग्रेन आपको जो फोटो इधर दिखाई दे रही होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये भी मार्केट से मिल जाती है, ये नॉर्मली बारले ग्रेन्स होते हैं। और इसे क्या करना, हमने एक कह सकते हैं बोरी या कुछ कपड़े में कैद करके गर्म पानी के अंदर डाल देने हैं, उसे भी बॉयल, पानी को भी बॉयल होने देना है, इसे भी साथ में बॉयल होने देना है। तो बाद में हमें क्या करना है, जब ये बॉयल हो रहा होगा 20 मिनट तक इसे गर्म करना है। गर्म करने के बाद हम जो हमारे पास जो वो होगा, जिसके अंदर हमने वो बांध कर रखे होंगे वो सारे बारले ग्रेन, उसको हमने गाइस निचोड़ना नहीं है। अगर हमने निचोड़ दिया तो उसमें से टेनिस निकलेगा। टेनिस क्या करेगा गाइस, वो हमारे सारे बियर के फ्लेवर को बर्बाद कर देगा, वो टेस्ट लेस बना देगा और पीने लायक नहीं रहेगी हमारी बियर। तो हमें निचोड़ना नहीं है, बस उसके अंदर गर्म करना है और बाद में उठा के उसे साइड पे रख देना है, समझ आ गया, सिंपल था ये। तो उसके बाद क्या करना था कि हमें जो हमारा मटेरियल बन के पानी और बारले स्टीप ग्रेन का मटेरियल बन के आएगा, उसे हमें गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसे गर्म
इस प्रकार करना है ताकि उसके रोलिंग बॉइलिंग होती है इसकी फोटो इस डाल पे। रहा हूँ आपको पता लग जाएगा, इस फोटो में आपको पता लग जाएगा अराउंड। बॉइलिंग करने के बाद उसे थोड़ा सा गैस से हमने उतार देना है, जो भी हमारा हीट मीडियम होगा उसे उतार के उसके अंदर हमें माल्ट एक्सट्रैक्ट डालना है, जो कि हमें हमारी बियर रेसिपी किट में मिल जाएगा। बियर रेसिपी किट के बाद मिलने उसके वहां से हम मटेरियल लेंगे, उसमें से डाल देंगे, अच्छी तरह से उसे घोल देंगे। उसके अंदर जो हमारा बार्ले और पानी का मिक्सचर होगा उसके अंदर अच्छी तरह से घोल देंगे। घोलने के बाद उसे फिर से हीट करेंगे। हीट करेंगे तब तक मतलब कि 10 से 15 मिनट तक हीट करेंगे। हीट करने के बाद उसके अंदर होप्स डालते हैं। होप्स का एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि बियर को फ्लेवर देता है। फ्लेवर होप्स की मैं फोटो गाइस इधर डाल दे रहा हूँ, आपको समझ आएगा। होप्स वो भी मार्केट से मिल सकता है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर अपने आपको लेना होगा तो वहां से ले सकते हैं। तो होप्स को आपने उस हमारे गर्म मीडियम में डाल देना है, पर जब हम होप्स डालेंगे तब हम मटेरियल को ज्यादा देर तक गर्म नहीं करेंगे। अगर हमने गर्म ज्यादा कर दिया तो वो होप्स का जो फ्लेवर देने वाला काम होगा वो उल्टा और बेकार फ्लेवर दे देगी, मतलब कि बर्न वाला फ्लेवर देने शुरू कर देगी। आपको ज्यादातर बॉयल नहीं करना, जब से आप होप्स डाले तो कम से कम 5 से 8 मिनट तक आपको बॉयल करना है, 10 मिनट भी नहीं होने देना। बॉयल करके उसको तुरंत ठंडा करना है, उस सारे मटेरियल को जिसे हम नॉर्मली वॉट कह रहे थे। जब मैं आपको फोटो डाल रहा हूँ इस शक्ल का वो हो जाएगा, वो होप्स डालने के बाद। होप्स डालने के बाद उसकी शक्ल थोड़ी काले काले पानी की तरह हो जाएगी, आपको वीडियो अदर फोटो दिख रही होगी। फोटो जब ऐसे रंग जब पहुंच जाएगा ना, तब आपको उसे एकदम से ठंडा करना है। ठंडा कैसे करना है, आपको एक टब लेना है, उसमें पानी डाल के उसमें आइस डाल देनी है, जितनी आपके पास पड़ी अवेलेबल होगी। तो आइस डाल के उसे अच्छे से चिल कर देना, ठंडा कर देना। जो हमारा कैटल होगी उसको उठा के उसके अंदर रख देना है, अच्छे से ठंडे होने देना, नॉर्मल बिल्कुल ठंडा होने देना उसे। अगला हमारा स्टेप आएगा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3। तो भाई स्टेप नंबर 3 में आपको करना क्या है, आपको जो हमारा वर्ट निकल के आएगा उसे हम फर्मेंटर के अंदर डाल देंगे। डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी। मैंने आपको बताया मेरा कैटल भी 18 लीटर की थी, तो फर्मेंटर भी 18 लीटर का होगा। आपका जैसे कि 5 लीटर की कैटल है तो उसमें अगर अगर फर्मेंटर आपके पास 5 या 6 लीटर का, तो उसमें पानी भी उस हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। जी आपको सिंपल सी मैथ आप समझ लोगे। तो उस फर्मेंटर का हमारा वो भी मेरा 18 लीटर था, तो मैंने उसमें क्या करा, सारा वाटर उसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद आपको कम से कम जैसे कि 18 लीटर की कैपेसिटी थी, मुझे 18 लीटर बियर चाहिए थी, तो 9 लीटर हमने डाला हुआ था, 9 लीटर और पानी डाल दिया उसके अंदर। सिंपल 9 लीटर पानी और उसके डालने के बाद हमें करना क्या है कि सिंपल उसे उसके अंदर हम उसे सिंपल बड़े स्पून का काम आ गया ना, बड़े स्पून का काम आ गया। बड़े स्पून को क्या करना, हम उसे हिलाते रहना हिलाते रहना हिलाते रहना, ताकि उसके अंदर सारी जो ऑक्सीजन है ना बाहर के अंदर उसके साथ मिल जाए, क्योंकि वो ईस्ट के काम के लिए बहुत ही रोल अदा करेगा। ईस्ट के वर्किंग के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग होती है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, जो ईस्ट होगी मार्केट से, ईस्ट लिंक में डालता रहूंगा सबका डिस्क्रिप्शन में, टेंशन नहीं लेनी आपको। ईस्ट को हमने उठाना है, उसके अंदर डाल देना है हमने बियर के अंदर जो हमारा वर्ट होगा, और पानी के अंदर डाल देना है और उसे कंटिन्यूसली हिलाते रहना हिलाते रहना हिलाते रहना। अच्छी तरह हिलाने के बाद जब ईस्ट हमारे वर्ट के अंदर अच्छी तरह डिजोल्व जब हो जाएगी ना, अगर डिजोल्व ना हो ईस्ट, तो थोड़ा सा हीट देना, वैसे लोड नहीं होती, आराम से वो घुस जाती है, क्योंकि आपको वो ठंडे में कैसे होगी, ठंडे में घुल जाती है ईस्ट, ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर ना घुले तो थोड़ी सी हीट देना, आराम से वो हीट हो जाती है। हीट होने के बाद ईस्ट को अच्छी तरह घोल लिया। घोलने के बाद क्या करोगे आप, उस ईस्ट को जो हमारा फर्मेंटर होगा ना, उसे एक ठंडी और डार्क जगह पे आप रखोगे। ठंडी और डार्क जगह पे, ठंडी और डार्क जगह पे रखने से कम उसकी जो फर्मेंटेशन है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगी। फर्मेंटेशन प्रोसेस होने को कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे, 2 वीक लगेंगे। आप 2 वीक बाद इसे निकाल सकते हो वहां से। तो भाई स्टेप फोर को क्या करना है, अपने बोतल में डालना है वो सारा मटेरियल वहां से निकाल के, जब क्योंकि अपनी फर्मेंटेशन 2 हफ्ते में हो चुकी होगी, उस मटेरियल को सारा हमने निकाल देना है उसमें से अंदर। जब वो मटेरियल निकल जाएगा और हम उसे बॉटलिंग करेंगे, बॉटलिंग अगर करनी है तो करो, नहीं तो ना करो, क्योंकि बास्केट में भी आप रख ही रहने दे सकते हो, डिपेंड ऑन यू कैसे आप पीना चाहते हो उसे। तो स्टेप नंबर 4 में हमें प्राइमरी शुगर मिलेगी, जो कि बियर की रेसिपी किट में होती है, टेंशन मत लो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है ना। तो प्राइमरी शुगर को क्या करना है, थोड़े से पानी में उसे मिला लेना है, गरम कर कर गरम करके मतलब कि थोड़ा मतलब कि 200 ml में,
200 ml पानी में हमें प्राइमेसिंग शुगर को मिलाकर हम कली कली बोतल में उसे मिला देना है। और मिलाने के बाद आपको जो हमारा फर्मेंटेशन के बाद जो हमारा मटेरियल बचा होगा, जो वाटरी प्रोडक्ट होगा जिसे हम कह सकते हैं बियर, उसे हम बॉटल्स में डालकर, जो कि पूरी बियर नहीं बनी हुई अभी, उसके बॉटल्स के अंदर डालकर, जो बकेट के अंदर डालकर, जो भी हमारी बॉटलिंग बकेट होगी उसके अंदर डालकर, उसे 2 हफ्ते के लिए कोई डार्क और रूम टेम्परेचर पर, कुछ ऐसे भी नहीं चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए हमारे, एक रूम टेम्परेचर पे आप ड्राई और कोल्ड प्लेस पे रख सकते हो उसे। जब 2 हफ्ते हो जाएंगे उसे वहां से निकालना, ठंडा करना फ्रिज में, बीच पर जाके उसे आराम से एंजॉय करना। अपनी बियर है, घर पे आपने बियर बना ली है। वैसे इसका बस ये है कि थोड़ी सी महंगी पड़ता है ये, महंगा मतलब कि ये सारे इक्विपमेंट कम से कम 6,000 और 7,000 के बीच बीच में आ जाएगी सारी चीजें पर, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे तो सारी लाइफ टाइम के लिए आपकी वो टेंशन बियर बनाने की वो खत्म हो जाएगी। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, घर पे बैठ के आप बना सकते हैं, बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम। तो गाइज यही थी मेरी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, अगर थोड़ी सी पसंद हुई तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि कोई भी मैं लेटेस्ट अपनी वीडियो डालता रहूँगा तो आपको अपडेट मिलता रहेगा, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो गाइस मैं तो आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।